Morning students, how are you? Today in my maths class, I will introduce a new topic, ascending order. Ascending order आपने पहले भी किया है, लेकिन आज मैं आपको और अच्छे से explain करने वाली हूँ. Okay? So today's date is 21st April 2020. And the day is Tuesday. Subject is maths and topic is ascending order. Do you know what is ascending order? Ascending order kya hota hai? असेंडिंग ऑर्डर. अच्छा चलिए एक चीज बताइए, अभी तो आप घर पे हैं, बट जब आप स्कूल जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, जब असेंबली होती है, आपकी मैम आपकी टीचर आपको अकॉर्डिंग टू हाइट खड़े होने के लिए बोलती है असेंबली में, जब आप लाइन अप होते हैं. मैम ऐसा क्यों करती हैं? मैम कहती हैं कि आप अकॉर्डिंग टू हाइट खड़े होइए, इसीलिए कहती है ताकि जब आप स्मॉल टू बिगर हाइट में खड़े होते जाते हैं तो आपकी असेंबली में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी बच्चे हैं आपकी क्लास में, उस एक्टिविटीज को ध्यान से देख सकते हैं. अगर आप ऑर्डर को खराब करेंगे तो नोबडी कैन सी, कोई भी नहीं देख पाएगा. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर एक ऑर्डर है जिसमें हम नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉल टू बिग नंबर. अब वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं. ठीक है, मान लीजिए आपको अपने घर की रूफ पे जाना है, छत पे जाना है, तो आप क्या करते हैं? मैंने ये स्टेयर्स बनाई हैं, ठीक है. स्टेयर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप एंड सिक्स्थ स्टेप एंड देन सेवन. आप जब स्टेयर्स पे चढ़ना शुरू करते हैं, पहले स्टेप पे चढ़ते हैं, फिर उससे ऊपर वाले स्टेप पे, फिर उससे ऊपर, फिर फोर्थ वाले पे, फिर उससे ऊपर वाले स्टेप पे जाते हैं, फिर उससे ऊपर, फिर सबसे लास्ट वाले स्टेप पे चढ़ जाते हैं, यानी कि आप टॉप पे आ जाते हैं. ठीक है, ये आपका टॉप हो गया, ये बॉटम है और ये आपका टॉप. तो अब आप कहेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर का क्या रिलेशन है? असेंडिंग ऑर्डर का रिलेशन ऐसे है कि जब आपने फर्स्ट स्टेप को क्रॉस किया तो आपने इससे, ये क्या है, वन लिखा है मैंने, वन से ऊपर टू, वन से बिग टू है, टू से बिग थ्री है, थ्री से बिग फोर है, फोर से बिग फाइव है, फाइव से बिग सिक्स है, सिक्स से बिग सेवन है. यानी कि एक ये आपका ऑर्डर ही तो चल रहा है. आप स्मॉल से कहाँ जा रहे हैं? बिग नंबर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, आपने यहां से स्टार्ट किया, आप स्मॉल से कहाँ चले गए? बिग नंबर की तरफ. तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है? असेंडिंग ऑर्डर इज एन ऑर्डर व्हेन वी अरेंज द नंबर्स स्मॉल टू बिग. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर्स में हम नंबर्स को स्मॉल टू बिग अरेंज करते हैं. ठीक है, यही है आपका असेंडिंग ऑर्डर. इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं. When we arrange the numbers, when we arrange the numbers smaller to biggest, when we arrange the numbers
नंबर्स स्मॉलर टू बिगेस्ट इट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और आप इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट नंबर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यही है। अब मैं आपको इसे कुछ एग्जांपल्स देती हूं, हाउ वी अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, इफ आई हैव अ सेट ऑफ नंबर्स लाइक 60, 83, 12 and 90, अब मुझे इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, कैसे मैं अरेंज कर सकती हूँ? आपको पता है हाउ टू फाइंड आउट द स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जब हम काउंटिंग बोलते हैं तो जो नंबर हम पहले लिखते हैं वो स्मॉल होते हैं और जो नंबर हम बाद में लिखते हैं वो बिगर नंबर होते हैं। तो पहले तो हमें इनके सारे डबल डिजिट नंबर हैं, तो हम इनका क्या करेंगे, टेंस वाला डिजिट चेक करेंगे। 6, 8, 1 and 9, विच वन इज द स्मॉलेस्ट डिजिट इन दीज वन इज द स्मॉलेस्ट, तो 12 आपका सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है। 12 के बाद 12 से अब हमें बिगेस्ट नंबर की तरफ आगे जाना है, तो 12 के बाद 6, 8 and 9 कौन सा नंबर आएगा? ये आएगा 60 के बाद कौन सा नंबर लिखेंगे हम, कौन सा डिजिट बड़ा आपका, 8 वाला, तो 83 एंड देन विच इज द बिगेस्ट, 9 इज द बिगेस्ट, तो आपका 90 वाला नंबर सबसे बिगेस्ट हुआ। तो आपने देखा 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, 60 इज ग्रेटर देन 12, देन 83 इज ग्रेटर देन 60 एंड देन 90 इज द बिगेस्ट अमंग दीज नंबर्स। ओके, नाउ मैं एक और आपको एग्जांपल दे रही हूं। इफ आई हैव 53, 59, 50 and 54, these are the numbers which I have। ठीक है, अब मेरे पास सारे double digit number हैं, how I will arrange these numbers, first I will check, again I will check the tens digit, there is 5, सबके में सेम है तो मैं इसे छोड़ दूंगी। अब मैं क्या करूंगी, आई विल चेक द वंस डिजिट नाउ। अब मैं वंस की डिजिट देखूंगी। ठीक है, तो वंस की डिजिट में अब मुझे ये चेक करना है कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है, 3, 9, 0 और 4, विच वन इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, तो आपका जो 50 वाला नंबर है वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, उसके बाद अब 3, 9 and 4, इसमें से छोटा कौन है, 3 इज स्मॉल, देन 53 इज द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, 9 and 4 इन दोनों में छोटा कौन है, 4, देन 54 इज द नेक्स्ट नंबर विच आई पुट हियर, देन 59 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमने इसे ऐसे अरेंज किया। ठीक है, समझ में आया आपको?
आपको पहले टेंस वाला प्लेस चेक करना है, अगर आपका टेंस वाला नंबर सेम है देन यू मूव टू वंस डज इट। चलिए एक और करते हैं हम, 88, 94, 10 एंड 4, ओके 88, 94, 10 एंड 4। आई होप कुछ कुछ समझ में आ गया होगा आपके कि इसमें क्या होने वाला है। 88 इज द डबल डिजिट नंबर, 94 अगेन इज द डबल डिजिट नंबर, 10 इज अगेन डबल डिजिट नंबर, बट 4 इज द सिंगल डिजिट नंबर। और आपको पता है कि अगर डबल डिजिट एंड सिंगल डिजिट में कंपेयर करना है हमें तो विच वन इज स्मॉलेस्ट, सिंगल डिजिट नंबर इज स्मॉलेस्ट, तो इसे हम पहले ही यहाँ लिख देंगे। ठीक है, हमने 4 पहले लिख दिया कि इन चारों में 4 ही सबसे स्मॉलेस्ट आएगा। अब हम डबल डिजिट कंपेयर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वी चेक द टेंस डिजिट, 8, 9 एंड 1, 8, 9 एंड 1, इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 8, 9 एंड 1, इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 1 है, तो हमारा 10 होगा नेक्स्ट नंबर, 10 से बिग नंबर 88 एंड देन 94। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। ओके, नाउ वी मूव टू डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर आपने कैसे करना है अब मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, वी डिस्कस डिसेंडिंग ऑर्डर। What is descending order? Okay. Now again, we do this activity. 4, 5, 6, 7. अब आप टॉप पे पहुंच गए थे, अब आपको वापस नीचे आना है, तो आप क्या करेंगे? टॉप टू बॉटम आएंगे ना, तो आप पहले 7 नंबर को क्रॉस करेंगे, देन आप 6th वाले स्टेप पे आएंगे, फिर आप 5th वाले पे आएंगे, फिर 4th वाले पे आएंगे, फिर 3rd वाले पे आएंगे, फिर 2nd वाले पे आएंगे एंड देन आप 1st वाली स्टेप पे आएंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है आपका? जब हम नंबर्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, व्हेन वी अरेंज द नंबर्स when we arrange the numbers biggest to smallest, ठीक है, जब आप numbers को biggest to smallest arrange करते हैं it is called descending ऑर्डर। इस ऑर्डर को हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। व्हेन वी अरेंज द नंबर्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जब हम नंबर्स को बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट में अरेंज करेंगे तो इट इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं और साथ में डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं।
ठीक है, इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसके एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ। ओके, चलिए मेरे पास नंबर्स हैं, आई हैव अ सेट ऑफ नंबर्स 58, 2, 79 and 44। वी ऑल नो इन डिक्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी पुट द नंबर्स बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो फर्स्ट वी फाइंड द बिगेस्ट नंबर एंड देन वी मूव टू स्मॉलर वन। ठीक है, तो वही हम डबल डिजिट वाले नंबर देखेंगे और इसमें सिंगल डिजिट भी है। तो अभी तो हमें सबसे पहले बिगेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम अभी इसे सिंगल डिजिट को छोड़ देंगे क्योंकि इट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर तो हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, तो हमें पहले फाइंड आउट करना है बिगेस्ट नंबर। तो बिगेस्ट नंबर में हम अब हमारे पास डबल डिजिट के तीन नंबर हैं, तो हम इनका टेंस वाला प्लेस फाइंड आउट चेक कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है और यहाँ पे 4 है। तो इन तीनों में बिगेस्ट डिजिट कौन सा है? 7 है, तो 79 हमारा क्या है? बिगेस्ट नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद 79 हो गया हमारा। अब 79 से स्मॉलर 58 और 44, इनसे पहले कौन सा बिग नंबर है इन दोनों में? 5, 58, तो हम 58 लिखेंगे। अब फिर हमारा 44 हो गया और 2 क्या है हमारा? सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल करा रही हूँ। यस, नाउ अनदर वन इज 86, 90, 7 and 66। ठीक है, अब हमारे पास ये 4 नंबर्स हैं। अब हमें इन्हें अरेंज करना है, तो अब मैं कैसे अरेंज करूं? अगेन वी हैव अ वन डिजिट नंबर, सो इट इज अ स्मॉलेस्ट नंबर, वी विल पुट दिस नंबर इन द लास्ट। अब हम डबल डिजिट नंबर्स को चेक कर लेते हैं। देयर इज 86, 90 एंड 66। फर्स्ट वी चेक द टेंस डिजिट, हम इसके टेंस वाले डिजिट को चेक करेंगे। 8 है, 9 है और 6 है, इन तीनों में बड़ा कौन सा है? 9 बड़ा है, तो 90 हमारा बिगेस्ट हो गया, इसे हमने पहले लिखा। ठीक है, उसके बाद 8 एंड 6, इन दोनों में बिग कौन सा है? 8 है, तो 86 वाला नंबर हमारा पहले आएगा, देन 66 लिखेंगे और लास्ट में हमारा 7 आया। ठीक है, तो हमने इन नंबर्स को बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज कर लिया। ठीक है, नाउ थर्ड एग्जांपल, 69, 37, 13 and 23। Now this is another set of numbers. Again we follow the same process. ठीक है, all numbers are double digit. So first we check the tens place. ठीक है, tens place check करेंगे। अब इसमें टेंस प्लेस में सबसे बिगेस्ट डिजिट कौन सा है? 6, 3, 1 और 2, विच इज द बिगेस्ट? 6, तो 69 आपका बिगेस्ट नंबर। देन इनमें चेक करेंगे हम 3, 1, 2, इन तीनों में बिग कौन सा है? 3, 37 आया आपका। देन 13 एंड 23, 1 एंड 2, इन दोनों में बिग 2 है, तो आपका 23 पहले आएगा एंड देन लास्ट में हम पुट करेंगे 13। ठीक है, तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हुआ। आपने देखा कि हम नंबर्स को कैसे अरेंज करते हैं। आपको बिगर स्मॉलर नंबर पता था कैसे फाइंड आउट करते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन कैसे फाइंड आउट करते हैं, बट आज आपने ये भी देख लिया कि नंबर्स को हम कैसे अरेंज भी करते हैं, कैसे ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज किया हमने?
डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे अरेंज किया आपने। ठीक है, तो अब मैं आपको इससे रिलेटेड होमवर्क दे रही हूँ जो आप अपने मैथ्स की नोटबुक में करेंगे। ठीक है, सो ओपन योर नोटबुक एंड नोट डाउन योर होमवर्क। आई थिंक यू ऑल हैव ओपन योर नोटबुक, राइट टूडेज डेट इन योर नोटबुक, देन मेंशन द डे एंड राइट डाउन होमवर्क। क्वेश्चन नंबर वन इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको असेंडिंग ऑर्डर में इन नंबर्स को अरेंज करना है। पहला है ये पार्ट है 51। 51 को आप एक ही बॉक्स में लिखेंगे, जैसे ये लिखा है 51 एक ही बॉक्स में लिखेंगे। जो सेकंड बॉक्स होगा वो आपका ऐसे ब्लैंक रहेगा। देन थर्ड बॉक्स आप 11 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला बॉक्स आपका फिर अगेन ओपन आपका ब्लैंक रहेगा। देन 55 अब ऐसे लिखेंगे, देन अगेन आप इसको ब्लैंक छोड़ेंगे। देन आपका नेक्स्ट नंबर होगा 15। ठीक है, आप नंबर्स को ऐसे लिखेंगे नीचे लाइन से टच करके, और एक एक बॉक्स को ब्लैंक लीव करेंगे, आप स्किप कर दीजिए, आप एक एक ब्लैंक एक एक बॉक्स को स्किप करके आप लिखेंगे। ठीक है, देन यू राइट द आंसर हियर। बी पार्ट इज अगेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड देन सेवन। ठीक है, 23 बॉक्स लिख किया आपने, 82 बॉक्स लिख किया, 32 फिर से लिख किया, देन आप लिखेंगे 88। ठीक है, फिर इसका आंसर लिखेंगे। फिर है सी पार्ट अगेन, मैं आपका यहाँ पे बॉक्स बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट नंबर इज 63 30 देन 76 देन 37 आंसर देन डी पार्ट। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4 5 7 इसमें आप लिखेंगे 34 35 33 37 एंड देन 33। इसका आंसर आप नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। नाउ आई एम गिविंग यू वन मोर क्वेश्चन, राइट दैट क्वेश्चन ऑल्सो इन योर नोटबुक। ओके, क्वेश्चन नंबर टू इज अरेंज
फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब आपको नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्लॉक्स नहीं बना रही हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि अब आपको पता है कि कैसे लिखना है। ठीक है, 11, 44, 33 एंड 22। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट इज 53, 73, 76, 69 and 10। ठीक है, फिर है सी पार्ट 43, 45, 24, 75 and then 57। ठीक है, एंड देन डी पार्ट 78, 99, 87 and then 64। ओके, एंड राइट इट्स आंसर ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक यू ऑल, अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि हमें असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कैसे अरेंज करना है। तो ये अब आपका होमवर्क है, आप लोग इसे करेंगे कंप्लीट और